अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका दोस्त फुरकान भुट्टा और आप देखें मेरा यूट्यूब चैनल भुट्टा इलेक्ट्रॉनिक्स। आज हम जिस होम अप्लायंसेस की बात करने वाले हैं वो है MAS की स्टेनलेस स्टील इलेक्ट्रिक कैटल 744 मॉडल है इसका। आज हम इसकी अनबॉक्सिंग करके दिखाएंगे और इसको इस्तेमाल करके दिखाएंगे कि ये कैसे कारआमद है आपके घरों के इस्तेमाल के लिए, ऑफिस के इस्तेमाल के लिए ये कैसे ही कारआमद है। चलते हैं वीडियो की तरफ और करके दिखाते हैं आपको इनबॉक्सिंग, और इसके अलावा आपको इसका तरीका इस्तेमाल भी आपको करके दिखाएंगे ये कितनी मुफीद है आपके लिए। चलते हैं वीडियो की तरफ। ये देखें जी, हमारा ये होम अप्लायंसेस आ चुका है। बर्स्ट स्टेनलेस स्टील डिज़ाइन के अंदर है, रेड लाइट बैक लाइट 15 वाट का इसके अंदर ये प्रोसीजर दिया गया है। ये इलेक्ट्रिक केटल है MAS कंपनी की, इसके बारे में और जानते हैं। इसका मॉडल नंबर है MAS 744। 1.8 लीटर तक ये अपना काम दे सकती है आपको, कोई भी चीज़ चाय वगैरह या आप ग्रीन टी कॉफ़ी वगैरह बनाना चाहें तो इसके अंदर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखें, इस प्रोडक्ट का नाम मुकम्मल तफसील दी गई है। प्रोडक्ट नेम इलेक्ट्रिक केटल, प्रोडक्ट मॉडल जैसा कि आप स्क्रीन शॉट भी वगैरह ले सकते हैं। MAS 744, रूटीन के मुताबिक रेटेड वोल्टेज 220, 53, 50 होगा, रेटेड पावर 1500 वाट, कैपेसिटी 1.8। जैसे मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, ये ऑटोमेटिक स्विच ऑफ है। जैसे ये अगर हम इसके अंदर गर्म कर लेंगे ज़्यादा पानी तो ये ऑटोमेटिक ऑफ हो जाएगी। हम इसको खोल के दिखाते हैं और इसको इस्तेमाल कर आपको चेक करवाते हैं। देखिए, ये पावर कनेक्टर है, इसको पावर देने के लिए, इलेक्ट्रिसिटी देने के लिए ये कनेक्टर दिया गया है जो कि प्लास्टिक में है, यानी कि करंट वगैरह लगने से आपको से करंट वगैरह नहीं लग सकता अगर आप बच्चे वगैरह भी आपके इस्तेमाल करते हैं। ये हमारे होम अप्लायंसेस आ गई स्टेनलेस स्टील MAS के मॉडल, ये रेड लाइट दी गई है। अगर ये ज़्यादा वार्म अप गर्म हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगा। इसका ऑन ऑफ का बटन है और ये बहुत ही इजी इसका ढक्कन वगैरह ओपन हो जाएगा। प्योर स्टील में है। इसकी ख़ास बात ये है कि आप इसके अंदर हाथ वगैरह डालकर वॉश भी आसानी से कर सकते हैं। अक्सर दूसरी कैटलों के अंदर रॉड दिया गया होता है और जिससे वॉश नहीं होता, और इस साइड पे इन्होंने बहुत ही खूबसूरत आउटर दिया हुआ है। और इसको अब चलाकर आपको इसका इलेक्ट्रिसिटी पावर से इसको चलाकर आपको ऑपरेट करके दिखाते हैं। इसका स्विच वगैरह हमने लगा दिए और ये पानी थोड़ा सा लिया है, ये इसके अंदर पानी डाल दिया है। 30 से 35 सेकेंड और बिटवीन 40 सेकेंड तक ये आपकी कॉफ़ी चाय वगैरह आसानी से बना सकते हैं। ये पावर बटन से इसको ऑन करेंगे, ये रेड लाइट ओके हो चुकी है। इसका इस्तेमाल हम घरों में अब आने वाले सर्दियों के दिनों में बच्चों के दूध गर्म करने के लिए, या रात को अगर गैस वगैरह का प्रॉब्लम आ जाता है तो जिन घरों में गैस वगैरह नहीं आ रहा होता तो उनके लिए बहुत ही मुफीद है। अभी देखे, हमने इसको पावर इसके ऑन कर दिए, ठीक 40 सेकंड के अंदर अंदर ये फुल अपना काम करना शुरू कर दे रहे हैं। इस वक्त ये फुल गर्म हो चुका है, हालांकि यहाँ अभी तक 40 सेकंड नहीं हुए। ये देखें, भाप बनना शुरू हो गया और पानी इस वक्त फुल हीट है। ये थी छोटी सी आज की वीडियो, छोटी सी होम अप्लायंसेस घरेलू इस्तेमाल के लिए कारामद चीज़ थी। इस ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर की। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और घंटी के बटन को लाजमी प्रेस कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।